ये अब हम इसके अंदर डाले एयर फिल्टर नया ओरिजिनल होंडाई का। ये सबसे पहले हमें सर्विस सेट करने के लिए इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन हो गया, फिर ये वाला बटन दबाना है हमें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विक्रम। आज हमारे पास आई हुई है किया सेल्टोस, इसकी हम करने वाले हैं जनरल सर्विस। जनरल सर्विस की वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि हम जनरल सर्विस कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज करते हैं और कितने प्राइस में करते हैं, और हम सर्विस के साथ एक ऑफ़र भी देते हैं। इस कार में भी हमने सर्विस के साथ एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र दिया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हम पहले फ्रंट के व्हील को खोल के चेक करते हैं इसके ब्रेक पैड की, ब्रेक पैड की कंडीशन कैसी है। ब्रेक पैड की कंडीशन ठीक है, अभी 10-12 हज़ार किलोमीटर और चलेंगे, इनको क्लीन करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं। यहीं पे हम इसके रियर के व्हील को खोल के चेक करते हैं इसके पीछे के ब्रेक शू। ब्रेक शू की जो कंडीशन है वो ठीक है, ब्रेक शू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो गई है ब्रेक की, उसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके दोबारा इसको फिट करते हैं। सस्पेंशन को चेक कर रहे हैं, जो फ्रंट के सॉकर है वो इसके ठीक है, सॉकर माउंट है वो भी ठीक है, लिंकर इसके ठीक है, और जो जंपिंग रोड के बुश हैं वो भी ठीक है। सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, इसके रैक में भी कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है गाड़ी। पीछे के जो सॉकर हैं वो भी ठीक है, इसके दोनों साइड के, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके पुराने ऑयल को ड्रेन कर लेते हैं सारा, ये ऑयल इसका काफ़ी गंदा हो रखा है क्योंकि ऑयल हर सर्विस पे चेंज भी होना चाहिए। ये इसका ऑयल फिल्टर है पुराना वाला, इसमें नया ऑयल फिल्टर भी चेंज करेंगे। ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, ऑयल है, तीनों चीज़ें चेंज होंगी इसकी। ये इसका नया ऑयल फिल्टर है, इसको इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। कार के डायग्नोस की पूरी रिपोर्ट टेक्नीशियन एडवाइज़र को लिखवाता है, एडवाइज़र देन कस्टमर से बात करते हैं और फिर वो काम स्टार्ट किया जाता है। ये इसका पुराना एयर फिल्टर है, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे, इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट है। ये हमने क्लीन कर दिया अंदर से नया, ये अब हम इसके अंदर डाले एयर फिल्टर नया ओरिजिनल होंडाई का। ये इसका न्यू इंजन ऑयल है कैस्ट्रोल का 5W30। हम डाले हैं वाइपर विंडशील्ड शैम्पू, और हम इसमें कर रहे हैं पानी ऐड। ये हम इसके अंदर हेला कंपनी का ब्रेक ऑयल डाले हैं 4.4। ये बैटरी स्प्रे है ताकि बैटरी के टर्मिनल पे कार्बन वगैरह ना आए। सस्पेंशन के अंदर लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है ताकि सस्पेंशन की जो लाइफ है वो और बढ़ जाए। सबसे पहले हमें सर्विस सेट करने के लिए इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन हो गया, फिर ये वाला बटन दबाना है हमें। ये टायर प्रेशर वाला आ गई लाइट,
ये यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके ये सर्विस इंटरवल लिखा हुआ है इसको ओके दबा देना है। ओके दबा के यहाँ पे जाके एडजस्ट इंटरवल, रिसेट इंटरवल, रिसेट सर्विस, तो ये 53,555 है किलोमीटर चली हुई, ये 10,000 की रिक्वायरमेंटेड है, तो 215 दिन आ रहे हैं, तो 365 दिन है एक साल के लिए और किलोमीटर में 10,000 के लिए। अब हम इसको रिसेट करेंगे, ये हमने ओके का बटन दबाना है, ये रिसेट इन टाइम एंड डिटेक्स, इसको ओके दबा देना है। ओके दबा के 10,000 किलोमीटर चल गई है और 365 दिन आ गए, तो रिसेट हो गई है। अब यहाँ पे जाके बैक करके यहाँ पे जा के बैक कर देना है, फिर ये वाला बटन दबा देना है। अब इसकी सर्विस हो गई रिसेट। एक बार इग्निशन ऑफ, चाबी निकाल लेनी है, फिर इग्निशन ऑन और गाड़ी स्टार्ट कर देनी है, ये सर्विस सेट हो गई है। अब हम डी कार्बोनाइजेशन पे लगाते हैं। यही कार के अंदर हमने सर्विस के साथ ऑफर दिया है डी कार्बोनाइजेशन। ये कार्बोनाइजेशन क्या करता है, इंजन के अंदर का जितना भी कार्बन है, आपके जो पिस्टन के आसपास जितना भी कार्बन है, वो सारा कार्बन इसमें साइलेंसर के थ्रू बाहर निकालता है। ये आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। ये आप देख सकते हो, ये मशीन है इसकी, इसके ऊपर ये 2 मिनट्स हो चुके हैं, 30 मिनट का ये पूरा प्रोसीजर है। 30 मिनट बाद इस मशीन को बंद करेंगे और इसके इंजन का जितना भी कार्बन है वो सारा साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलेगा। इससे इंजन की लाइफ बढ़ेगी और पिकअप और माइलेज दोनों में इंक्रीज होगा। ये हमने कार की सर्विस के साथ डीकार्बोनाइजेशन का 1000 में ऑफर दिया है, नहीं तो ये 2000 से 2500 तक का होता है। तो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है अपनी कार, इसको और देख लेते हैं एक बार। मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहे, ताकि मैं आपको ऐसी कार की सर्विस की वीडियोस दिखाता रहूं और आपको कार की सर्विस साथ ऑफर बताता रहूं।